दिन बाद देश के सामने होगा मोदी सरकार का पहला बजट। उम्मीद भरी नजरों से पूरा देश टकटकी लगाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है। हम न्यूज 24 पर आपको लगातार देश के आम लोगों की आवाज से वाकिफ कराते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलवाते हैं आपको मिसेस मोदी यानी जशोदा बेन से। आखिर इस बजट से क्या उम्मीद रखती हैं मिसेस मोदी? न्यूज 24 से खास बातचीत में जशोदा बेन ने उम्मीद जताई है कि इस बजट से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी और देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। बजट को लेकर देश भर की महिलाएं इस समय उनकी नजर है मोदी पर, क्योंकि बजट आने वाला है, रेल बजट और उसके बाद अंतरिम बजट। लेकिन मोदी की अपनी पत्नी, उनकी पत्नी जशोदा बेन क्या सोचती हैं बजट को लेकर के, किस तरह का बजट होगा, उससे आगे विकास किस तरह का होगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जशोदा बेन खुद। जशोदा बेन जी, बजट आने वाला है जिससे ये पता चलता है कि देश का विकास आगे कैसे होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी, आप क्या उम्मीद करती हैं कि इस बजट से क्या होगा? अच्छा किया है तो करने, काम करते भी अच्छा करता है, करने के तो भाई भी अच्छे करते हैं, करे भी करूँ पड़े तो पहले से अच्छे करते रहते हैं। अच्छा। महंगाई को लेकर आपको लगता है महंगाई कम होगी? महंगाई तो माल नहीं आते तो क्या करें, मगर तो आए तो आए जाएगी, माल नहीं आए तो आएगी। औरतों की सुरक्षा आपको लगता है कि उनके रहने पर देश में, जिस तरह से गुजरात में महिलाएं सुरक्षित है, देश भर में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? रक्षा तो मिली थी ना, मिले कुछ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, महंगाई तो अच्छी रहेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेगी। ये जशोदा बेन मानती है कि महिलाएं सुरक्षित होंगी जैसे गुजरात में है। जशोदा बेन, हर जगह जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, घर का खाना मुश्किल हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप क्या मानती हैं? बजट, बजट के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? बधू सारू थे सारा करेंगे, काम तो अच्छा करेंगे, मकवाले आए तो अच्छा भी करेंगे, अच्छा करेंगे देश का विकास होगा, सारा करें, देश का विकास होगा, हर महिलाओं को भी अच्छा करते हैं और विकास होगा, देश आगे जाएगा, आ जाएगा, नहीं तो। जशोदा बेन को पूरा विश्वास है कि मोदी के नेतृत्व में बजट जो आ रहा है वो अच्छा होगा और देश को विकास की राह पर ले जाने वाला होगा। कैमरामैन दिव्यांग के साथ भूपेंद्र सिंह, ऊंझा, न्यूज 24। तो मोदी की पत्नी को भरोसा है कि अच्छे दिन आएंगे और नरेंद्र